Hey guys, this is Ultimate.Dot here. In this video, I'm going to show you how to remove password from Excel sheet and workbook. आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे ना एक्सेल सीट को या वर्कबुक को कैसे पासवर्ड को रिमूव किया जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक एक्सेल बनाना है। जैसे कि मैं एक एक्सेल बनाना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं एक विंडोज पे जाऊंगा, टाइप करूंगा एक्सेल, देन इजीली एक्सेल ओपन हो चुका है। देन मैं कुछ इधर वैल्यू दूंगा, अपना हिसाब से कुछ वैल्यू इधर मान लीजिए मैं क्रिएट कर लेता हूं। बस अभी सही है, टेस्ट करने के लिए बस यही सही है। देन मैं फाइल में जाऊंगा, देन सेव एस, देन करूंगा डेस्कटॉप, देन न्यू फोल्डर 3, देन बुक 1 को मैं कर दे रहा हूं बुक बोल के सेव कर रहा हूं। ठीक है, और इजीली सेव हो चुका है। मैं अब आपको जो फाइल है डेस्कटॉप में उसको फाइल को ओपन करके रख लेता हूं, न्यू फोल्डर 3। यही है, यही था हम लोग का फाइल। तो मैं इधर इसको क्लोज कर दूंगा, फिर से इसको ओपन करूंगा। देन इसका अंदर में हम लोग अभी पासवर्ड ऐड करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिंपली ऊपर में जाके जो रिव्यू का बटन है आपको सिंपली इधर क्लिक करना है। देन पहले का जो ऑप्शन आ रहा है प्रोटेक्टेड सीट एंड प्रोटेक्टेड वर्कबुक, ठीक है, प्रोटेक्टेड सीट कर दे रहा हूं। देन उसका बाद आपको इधर कुछ पासवर्ड इधर डालना है, जैसे कि ऑलरेडी मैं एक पासवर्ड क्रिएट करके रखा हूं, आप इसलिए देख पा रहे हो। तो इसको कॉपी किया, देन इधर सिंपली पेस्ट करना है। आप अपने हिसाब से पासवर्ड क्रिएट करके भी रख सकते हो। देन क्लिक ऑन ओके, देन फिर से आपको इधर डालना है, देन करना है ओके, देन आपको इसको सिंपली सेव करना है, देन करना है क्लोज। क्लोज करने के बाद आपको फिर से इसको ओपन करना है एंड हम लोग अभी चेक करेंगे इसका वैल्यू चेक करके, चेंज करके। अभी देख पा रहे हो कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब इधर क्या दिखा रहा है, देखिए देयर फॉर रीड ओनली, मतलब क्या हुआ, मतलब आपका जो डेटा है आप इजीली उसको देख पाओगे लेकिन कुछ चेंज नहीं कर पाओगे इधर। ठीक है, तो इस पासवर्ड को कैसे रिमूव किया जाए वही देखेंगे हम लोग। ठीक है, और मान लीजिए इस जो पासवर्ड है हम लोग इसको भूल चुके हैं, उसको कैसे रिमूव किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको क्लोज करना है। देन इधर आके आपको राइट क्लिक करना है, देन जाना है प्रॉपर्टीज रीनेम पे। रीनेम पे आके आपको सिंपली ये जो नेम है आपको सिंपली सेट आईपी जिप डालना है, देन एंटर, देन यस। ठीक है, करने के बाद आपको सिंपली इसको ओपन करना है डबल क्लिक करके। देन जो एक्सेल है आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है एक्सेल को, देन व्हाट सीट, देन सीट 1। सीट 1 में हम लोग का दिक्कत हुआ था, जो पासवर्ड लगाया था तो उसको कैसे सही किया जाए। ठीक है, तो आपको सिंपली इसको क्या करना है, आपको सिंपली इसको कॉपी करना है, सीट 1 को कॉपी, देन इसको मिनिमाइज करके आपको इधर पेस्ट करना है। ठीक है, देन आपको इधर राइट क्लिक करना है, देन जाना है एडिट टू नोटपैड। ठीक है, नोटपैड ओपन होके आ जाएगा, तो नोटपैड को आपको इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूं, आपको समझ में भी आसानी रहेगा। उसके बाद आप इजीली देख पाओगे नीचे एक सीट प्रोटेक्शन बोल के एक ऑप्शन है, पासवर्ड सीट 1 बोल के ऑब्जेक्ट 1, उसको आपको क्या करना है, आपको इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपको सिंपली सेव कर लेना है, देन इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको इसको फिर से ओपन करना है, देन फिर से सेम लोकेशन पे आपको जाना है, देन वर्कशीट पे, देन सीट 1 जो है आपको सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर पेस्ट करना है। देन आपको क्या बोल रहा है इधर ओके करने के लिए, आपको सिंपली ओके करना है, देन इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद
आपको इधर जाके फिर से रीनेम पे जाना होगा, देन इधर टाइप करना है XLSX, हिट एंटर, क्लिक ऑन यस करने का बाद आपको इसको फिर से ओपन करना है। ओपन करते ही आपका जो डेटा है आप इजी देख पा रहे हो, इसको आप इजीली चेंज कर पाओगे, ठीक है, आप इसे देख पा रहे हो। और आपका मान लीजिए जो ट्रिक है आपका काम ना आए तो आप इसीलिए इसको फिर से, और एक दूसरा तरीका है उसको भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग रिव्यू में जाएंगे, देन प्रोटेक्ट सीट कर लेंगे, देन पासवर्ड जो है कोई भी पासवर्ड आप डाल सकते हो, मैं सबसे हार्ड ही पासवर्ड जो है वही डाल रहा हूँ, देन ओके ओके देन सेफ क्लोज, देन फिर से ओपन करूंगा, देखिए पासवर्ड डालने के बाद कोई चेंजेस नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको क्लोज करना है, उसके बाद आपको जाना है गूगल पे, देन इधर में आपको ऐसे गूगल ऐप शो होगा, आपको सिंपली नीचे आना है, जाना है गूगल सीट पे, देन ब्लैंक, गूगल का एक ब्लैंक शीट ओपन कर लेना है, देन उसका बाद आपका जो पहले का ऑप्शन आपको दिख रहा है ऊपर में फाइल, ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है फाइल पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन ओपन। ओपन करने के बाद आपको इधर बोल रहा है अपलोड, आपको क्या करना है आपका जो फाइल है, ठीक है, जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो आपको सिंपली इसको कॉपी करके इधर पेस्ट करना है, आप इजीली देख पा रहे हो जो डेटा उधर था इधर आ चुका है, देन आप इधर कैसे भी करके इधर चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं इधर नंबर दे दे रहा हूं, आप इधर चेंज कर सकते हो, देन आप इधर आके सेव भी कर सकते हो, जैसे कि है डाउनलोड एक्सेल, अब इसे देख पा रहे हो डाउनलोड हो चुका है, देन ओपन, आपका जो नॉर्मल जैसे ओपन होता है ऐसे आपका ओपन हो जाएगा, एडिट इनेबल, देन आप इजीली देख पा रहे हो, ठीक है, इजीली ऐसे चेंज हो जाएगा। तो आपका कभी भी आपका पासवर्ड ऐसे ना प्रोटेक्टेड करके रखे हो और आप भूल जाओ तो आपको कोई भी डेटा आपको ना चेंजेस करना है तो आप इजीली इसको कर सकते हो, और मैंने जो आपको जो ट्रिक दिखाया हूँ तो आपका काम का पर्पस में ही आप यूज़ कीजिए, दूसरे कुछ गलत काम के लिए यूज़ मत कीजिए, मेरा आपका पास रिक्वेस्ट है। और मेरा ये छोटा सा वीडियो आपके लिए यूज़फुल या हेल्पफुल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए, और कौन सा प्रोसेस आपका काम लगा और कौन सा प्रोसेस आपको अच्छा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बोलना मत भूलिए, और मेरा वीडियो पे आप नया है तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।